बीजेपी ने ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए भाषणों को लगातार मुद्दा बनाया है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयानों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को भारत की अखंडता के लिए खतरा बता दिया है। किरण रिजिजू ने लंदन में राहुल के बयानों को एक ही प्रोडक्ट की रीलॉन्चिंग और मार्केटिंग की कोशिश भी करार दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी देश में कमजोर होते लोकतंत्र पर अपनी चिंता जता रहे हैं और कांग्रेस ये सवाल उठाती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने वाले बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गलत बयानी की है, उसी के हवाले से अब बीजेपी ने राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बता दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को देश की एकता के लिए खतरा बताने का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सही है? क्या देश की चुनावी राजनीति में शिकस्त की झूठी शिकायत करने की कोशिश में राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है? क्या भारत में पिछले 9 साल में लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हुआ है? भारत में सियासत का फर्क दिखाती ये दो तस्वीरें हैं। एक में देश की जमीन पर विदेशी मेहमान हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी और रिश्तों की गर्माहट महसूस करता है और दूसरी तस्वीर में भारत के उन्हीं शानदार रंगों को विदेश की धरती पर जाकर बदरंग बताने की कोशिश होती है। सोच के इस फर्क पर अब सियासत सुलग रही है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का तजुर्बा और कारण बताने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। वहां राहुल ने जो कुछ कहा उसकी आग अब तक सुलग रही है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा से जुड़े कुछ वीडियो पोस्ट करके राहुल गांधी पर टिप्पणी की। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयानों वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए ट्वीट्स की थ्रेड बनाकर 3 बड़ी बातें लिखी। पहली ये कि राहुल गांधी हमारी नहीं तो अपने समर्पित शुभचिंतक की ही सुन लें। दूसरी ये कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरा हो चुके हैं क्योंकि वो लोगों को देश तोड़ने के लिए उकसा रहे हैं। और तीसरी ये कि एक ही राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की भी हद होनी चाहिए। लंदन में लॉन्चिंग के बाद वही गैंग भारत में उनकी मार्केटिंग कर रहा है। ये तो ट्वीट है, इसमें क्या कमेंट करें। ये तो फैक्ट है कि कोई जिसको ये जिस धर्म के नाम पर ये अपनी राजनीति करते हैं बीजेपी, उसके अलावा किसी व्यक्ति को ना ये भारत का नागरिक समझते हैं ना किसी भी रूप में महत्वपूर्ण समझते हैं। राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे से भी लौट आए लेकिन वहां अलग अलग मंचों पर उनके बयानों का शोर अभी तक सुनाई पड़ रहा है। दरअसल किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का जो वीडियो पोस्ट किया है उनमें एक वीडियो लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बातचीत का है, जहां 1961 से ब्रिटेन में रह रहे सुरेश गुप्ता नाम के एक बुजुर्ग पत्रकार ने नेहरू और इंदिरा गांधी से अपना परिचय बताते हुए राहुल गांधी को एक सलाह दी थी। मिसेस गांधी, योर ग्रैंडमदर वाज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी। She helped me a great deal and she was a wonderful woman. When she came here in a press conference in London, after being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, what is your experience of prison in India? And she said, I don't want to talk anything bad about India in this conference. Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said. Kiran Rijiju ne usi bayan ka udaharan dete hue Rahul Gandhi ko nasihat wala tweet kiya tha. Halanki Rahul Gandhi ne us buzurg patrakar ki nasihat par bhi palatwar kiya tha. Have you actually seen my Cambridge lecture? Sorry? Have you seen my Cambridge lecture? Yeah, good. I have heard about it. No. Have you seen it? No. Okay. Thank you. So that's interesting. Yeah. I mean, you haven't seen it. Yeah. You got an opinion on it. I mean, that's see it. Rahul Gandhi ne us buzurg patrakar ki salah ko to kharij kar diya, lekin BJP ab use mudda bana rahi hai. Khaskar Cambridge mein Rahul Gandhi ke diye ek bayan ko Kiran Rijiju ne dobara post karke Rahul ko desh ki ekta ke liye khatarnak karar diya hai. India, as I said, is a union of states. It's a negotiation, and if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not.
मिस्टर नरेंद्र मोदी सेज ही इज अ सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं ये सोच करके भी बुद्धि पर उनकी बुद्धि पर तरस आता है। राहुल गांधी के बयानों की निंदा कर रही बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के बीजिंग से लेकर सियोल दौरे तक दिए गए भाषणों और विदेशों में जाकर अपने देश, भारत की सरकार, भारत के नेताओं और भारत के सिस्टम को कोसने वाले बयानों का हवाला दे रही है। नतीजा ये है कि विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने की जो सियासी होड़ कभी शुरू हुई थी वो अब बद से बदतर शक्ल में सामने आने लगी है। आज तक ब्यूरो।